दोस्तों, भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एम परिवहन ऐप को लॉन्च किया है। इस एम परिवहन ऐप में आप अपना वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस और वर्चुअल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आप क्रिएट कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट को आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं और वाहन चेकिंग के समय आप पुलिस को यह डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन के द्वारा दिखा सकते हैं। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार ओरिजिनल की तरह वैलिड रहेंगे, यानी मान्य रहेंगे। और इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और आप इसमें सर्च करना है आपको एम परिवहन। सर्च करने के बाद आपको एम परिवहन एप्लीकेशन मिलेगा, इसको आप इंस्टॉल कर लेना है। आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा और इसके बाद इसको आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो दिखाए गए हैं। पहला फीचर्स दिया गया है, आप इसमें किसी का भी पब्लिक का RC कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की बेसिक डिटेल को आप देख सकते हैं आप। और दूसरा फीचर्स दिया गया है इसमें, आप वर्चुअल RC कार्ड और वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस को आप eKYC के माध्यम से आप क्रिएट कर सकते हैं और इनको आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर का ऑप्शन दिया गया है इसमें। और इसके बाद आप इसमें QR कोड या QR स्टिकर आप इसमें जनरेट करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन यूज करने के लिए आपको पहले अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, आपको कौन सी भाषा आपको आती है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन, यहाँ पर ठीक है क्लिक करेंगे। इसके बाद इस एप्लीकेशन को यूज करने से पहले आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा। साइन अप पर क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पर साइन अप कर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद जारी रखें आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने उपयुक्त नियम शर्तों को पढ़ लिया है, सहमति देने के लिए सहमत करेंगे और प्रस्तुत कर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने मोबाइल पर OTP आएगा, OTP को यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि मेरा OTP आ गया है, मैं यहाँ पर अपना OTP डालता हूँ। OTP डालूँगा मैं, मैंने अपना OTP डाल दिया है और सत्यापित कर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपनी प्रोफाइल को पूरा कीजिए करने के लिए यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, अपना मैं अपना नाम डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद साइन अप करने पर क्लिक कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पर वर्चुअल RC कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर वर्चुअल RC बनाने पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना RC कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर आपको जैसे मेरा MP05 और डेस्टमैन डाल दिया है और सर्च का आइकॉन बनाया है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पर ठीक है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी RC कार्ड की डिटेल आ जाएगी। इसको आदि वर्चुअल RC कार्ड के लिए डैशबोर्ड में जोड़ना है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी जानकारी या विवरण को सत्यापित करने के लिए यहाँ पर आपको अपना HHS नंबर के 4 अंक डालना है, 4 डिजिट डालना है और नीचे इंजन नंबर के 4 अंक डालना है। मैंने अपने HHS नंबर और इंजन नंबर के लास्ट के 4 अंक मैंने डाल दिए हैं। डालने के बाद यहाँ पर सत्यापित करें क्लिक करेंगे तो आपका अपने RC विवरण की जांच करने के लिए यहाँ डैशबोर्ड पर जाएं तो ठीक है क्लिक करेंगे तो आप डैशबोर्ड पर आ गया है। मेरा RC कार्ड यहाँ पर ऐड हो गया है जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है और मेरी जो डिटेल है बेसिक डिटेल पूरी डली हुई है। जब भी मुझे कोई पुलिस रोकेगी, चेकिंग करेगी, वाहन चेकिंग करेंगी जब, तो मैं डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा। मेरा RC कार्ड मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा। यहाँ लिखा है यह दस्तावेज IT एक्ट अधिनियम 2000 के अनुसार मान्य है, इसको आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं, यह मान्य रहेंगे। इसी तरीके से आप अपना वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस को भी ऐड कर सकते हैं। बैक बटन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर अपना, उसके बाद और बैक करेंगे, यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे आ गए हैं। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस को ऐड करने के लिए यहाँ पर DL डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालेंगे, मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दिया है और सर्च पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर ठीक है पर क्लिक करेंगे। ठीक पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जन्मतिथि डालना होगा यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए, सत्यापित करने के लिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, दिन माह ईयर डाल देंगे। इसके बाद खोज पर क्लिक करेंगे। खोज पर क्लिक करने के बाद आप ठीक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके ड्राइविंग लाइसेंस की बेसिक जानकारी आ गई है, इसको आप देख लेंगे। उसको आप वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए यहाँ पर जोड़ने के लिए
क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर आपको दोबारा फिर से डेट ऑफ बर्थ डालना होगा सत्यापित करने के लिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर सत्यापित करें फिर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका यह भी ड्राइविंग लाइसेंस भी डैशबोर्ड में जुड़ गया है। उसके बाद ठीक है फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर DL डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल भी यहाँ पर ऐड हो गई है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस का वर्चुअल कार्ड बन गया है। इसको भी आप चेकिंग के समय दिखा सकते हैं कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी डिजिटली है मेरे पास। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप शेयर करने के लिए शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।